नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। आपके साथ मैं गरिमा मकरानी। आइए देखते हैं अब तक की कुछ खास खबरें। इंदौर शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट दिन भर झूठ बोलते रहते हैं, लेकिन भगवान महाकाल सच उगलवा ही देता है। यही सच है भाजपा का, जो मंत्री सिलावट ने अपने बयान से जारी किया है। आश्चर्य तो इस बात का है कि सच जानने के बाद भी सिलावट सिंधिया के गुलाम बने हुए हैं तथा समाज के एक कलंक मुख्यमंत्री शिवराज के साथ मंत्रिमंडल में मंत्री बने हुए हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मंत्री सिलावट से मांग की है कि अगर थोड़ी सी नैतिकता बची हो तो तत्काल इस्तीफा देकर जनता से माफी मांगना चाहिए। ये सुनो, देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है। इनका जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, और जो घटना घटी है ये हमारे समाज के लिए एक प्रेरणा भी है कि ऐसे लोगों को कृत्य करने वालों को जो भी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उज्जैन से गिरफ्तारी हुई है तो पहले के नाम खराब हुआ है उज्जैन का, यहाँ गिरफ्तारी का या सरेंडर किया है मंदिर के अंदर? देखो, ये आप बदला रहा, मेरे संज्ञान में बाहर था, पर मैं आपको बदला दूँ, हमारी सरकार और जी चाहे लाख कितना ही दिन भर झूठ बोले, लेकिन सच एक बार सामने आ ही जाता है। भगवान महाकाल दिन में एक बार सच जीवा पर लाते हैं, और आज उन्होंने सच बोला है कि मोदी जी, योगी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी समाज के कलंक हैं। ये वो सच है, ये वो कड़वा सच है जो वो खुद भी जानते हैं, जो सांवेर की जनता भी जानती है, जो मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है, लेकिन लगातार जनता से झूठ बोलते हैं। आज भगवान महाकाल ने वो शब्द जमा पर लाए हैं जो उनके दिल में थे और वो सामने आए हैं। उनको जनता से माफी मांगना चाहिए और अपने शब्दों पर कायम रहते हुए इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए खबरें 24/7 के साथ। नमस्कार।